फिल्म शूट आउट एट लोखंडवाला में दिया मिर्जा अपनी प्रिटी गर्ल नेक्स्ट डोर की इमेज को तोड़कर नजर आएंगे क्राइम रिपोर्टर के हार्ड हिटिंग रोल में, और साथ ही पूरी फिल्म में सुनाई देगी उनकी आवाज एक सूत्रधार के तौर पर। यानी अब उम्मीद की जा सकती है कि उनकी फिल्मों की लिस्ट के साथ साथ थोड़ा बहुत उनके रोल्स की लंबाई भी बढ़ेगी। What is important is that with time I'm setting a standard for myself, the respect that I wanted I'm gaining, and I think slow and steady and seriously and confidently is what I'm looking at. अब जबकि दिया निभा रही हैं एक जर्नलिस्ट का रोल, तो शायद उन्हें कुछ अंदाजा हुआ होगा पत्रकारों के जीवन का। बल्कि वो तो मानती हैं कि उनके क्राइम रिपोर्टर के किरदार की मुश्किलें तो हैं और भी ज्यादा। ऑनेस्टली एंटरटेनमेंट जर्नलिज्म और क्राइम जर्नलिज्म में बहुत फर्क है, और मैं मानती हूँ कि जो क्राइम रिपोर्टर का जॉब होता है वो किसी पुलिस वाले या क्रिमिनल से कम रिस्की नहीं होता। अब दिया बस यही उम्मीद कर सकती है कि शूट आउट एंड लोखंडवाला बॉक्स ऑफिस पर शहीद ना हो, क्योंकि अगर इस गोलाबारी में जीत लगी दिया के हाथ तो शायद उन्हें मिले कुछ और अलग किस्म के रोल और उनका करियर निकल पड़े गोली की रफ्तार से। मिघना जोशी, जूम, मुंबई।